हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इजिप्ट से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इजिप्ट पूरी दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में ज्यादातर अरबिक लोग रहते हैं। दोस्तों, इजिप्ट की स्थापना लगभग 3150 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में आबादी के मामले में 15वें स्थान पर आता है। दोस्तों, इजिप्ट में लगभग 9,38,54,000 लोग रहते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा भाग शहरों में रहता है। दोस्तों, यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा नील नदी के किनारे में रहती है। दोस्तों, ये देश अपनी प्राचीन सभ्यता और अपने पुराने स्ट्रक्चर्स के लिए जाना जाता है। इस देश का पिरामिड ऑफ गीजा पूरे दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों, इजिप्ट में स्थित पिरामिड क्यों बनाए गए हैं, इसका सही जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पिरामिड उस समय के राजाओं और रानियों के कब्र के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इजिप्ट में बने पिरामिडों में इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन लगभग 70,000 किलो तक का है, और आज के समय में भी एक बड़ी क्रेन मशीन से सिर्फ 20,000 किलो तक ही वजन उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, 4,000 साल पहले जब ये पिरामिड बने थे, तो उन लोगों ने 70,000 किलो तक का वजन कैसे उठाया होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके अलावा दोस्तों, एक अनोखी बात यह है कि जिस जगह पर ये गीजा पिरामिड है, वो धरती का मध्य बिंदु है। जब हम धरती का मध्य बिंदु खोजते हैं, तो वहां पर ये पिरामिड स्थित है। दोस्तों, हो सकता है कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने अपनी तकनीक से इनको बनाया होगा। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेटते थे, जिन्हें आज हम ममी कहते हैं। एक ममी पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पट्टी लगाई जाती थी। दोस्तों, एंशियंट इजिप्शियन का विश्वास था कि ममीकरण से मृतक को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म की तरफ ले जाया जा सकता है। दोस्तों, आपने इजिप्ट की ममीज के फेस पे एक मास्क देखा होगा। वो मास्क इसलिए पहनाया जाता था ताकि आत्मा शरीर को दोबारा पहचान सके। दोस्तों, ये मास्क मरने वाले के चेहरे के जैसा बनाया जाता था ताकि पहचानने में आसानी हो। दोस्तों, इस देश के लोगों को शराब बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो कब्रों में भी शराब को रखते थे ताकि मरने वाले के दूसरे जन्म में शराब की कोई कमी ना हो। दोस्तों, एंशियंट इजिप्ट में लोग लगभग 1400 देवी देवताओं की पूजा करते थे। दोस्तों, पूरी दुनिया में सेलिंग बोट सबसे पहले इजिप्ट में ही बनाई गई थी। इसके अलावा प्राचीन इजिप्ट में लोग पत्थर का तकिया बनाकर सोते थे। दोस्तों, इस देश में बिल्ली को बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जाती है, और इस देश में लोग बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अगर कोई बिल्ली मर जाती थी, तो उसके शोक को प्रकट करने के लिए ये अपनी आईब्रोज शेव कर लेते थे। और दोस्तों, इस देश में बिल्ली को मारने पर मौत की सजा भी दी जाती थी। ये लोग बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में कोई भी राजा अपने बाल नहीं दिखाता था, वो हमेशा अपने सर पर कुछ ना कुछ पहनने रखता था। इसके अलावा प्राचीन इजिप्ट में हर एक महीना 30 दिन का होता था, और एक साल में 12 महीने होते थे। उसके बाद 5 दिन यहाँ पर त्योहार बनाए जाते थे ताकि पूरे साल के 365 दिनों को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इस देश में फराओ पेपी का शासनकाल सबसे लंबे समय तक चला था, लगभग 94 सालों तक, क्योंकि दोस्तों जब वो राजा बना था वो सिर्फ 6 साल का था। दोस्तों, इसी राजा के समय पर मिस्र में दारू को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, शादियों में अंगूठी पहनने की प्रथा की शुरुआत मिस्र से ही शुरू हुई थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला गाना जिसमें लिरिक्स लिखे हुए थे, वो मिस्र में ही पाया गया है, लगभग 4300 साल पहले। दोस्तों, ये गाना प्यार के बारे में था। दोस्तों, इजिप्ट के लोग अपनी आंखों में सुरमा और काजल लगाते थे ताकि धूप की तेज किरणें और मक्खियों के संक्रमण से बचा जा सके। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे पहले इजिप्ट ही ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को बराबर हक मिलता था। वे जमीनें खरीद सकती थी, जज बन सकती थी, वसीयत लिख सकती थी और बाहर काम कर सकती थी, और उन्हें पुरुषों के समान ही वेतन दिया जाता था, जबकि दूसरे देश में महिलाओं को इतनी आजादी नहीं दी गई थी। दोस्तों, 4थी और 6ठी शताब्दी में यहाँ ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या थी, लेकिन आज यहाँ 90% मुस्लिम रहते हैं। दोस्तों, सन 1882 में ब्रिटेन ने इजिप्ट को गुलाम बना लिया था, और फिर 1922 को 40 साल बाद ये देश मुश्किल से आजाद हुआ। दोस्तों, ये देश बहुत ही गर्म देश है, यहाँ तापमान लगभग 114 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान लगभग 68 डिग्री ही रहता है। दोस्तों, इस देश में दो ही मौसम होते हैं, एक सर्दी और गर्मी, जो कि 6-6 महीने तक चलते हैं। सर्दी का मौसम नवंबर से मार्च तक और गर्मी का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक चलता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और मौसम नहीं होता। दोस्तों, इस देश में पानी की मात्रा बहुत कम है। इस देश में पूरी दुनिया के पानी का सिर्फ 0.6% ही हिस्सा है। इसके अलावा अगर इस देश की अभी की मुद्रा की बात करें, तो इजिप्शियन पाउंड इस देश की मुद्रा है, जो कि लगभग 4 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चील है। दोस्तों, इस समय दुनिया की सबसे पुरानी पोशाक इजिप्ट में खुदाई के समय मिली है, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, इजिप्ट में हर साल बहुत से देशों से लोग घूमने यहाँ आते हैं, खासकर गीजा के पिरामिड को देखने और इसके रहस्यों का पता लगाने। तो दोस्तों, हर एक इंसान को इस जगह पर एक ना एक बार जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत जगह है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। ये थे इजिप्ट से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।